हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये पिटूनिया के प्लांट्स हैं जो कि विंटर में बहुत ही बेहतर और ढेरों कलर ऑप्शन इसमें आते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ये पौधे करते हैं। आप इनके लिए 6 से 10 इंच का पॉट काफ़ी होता है यदि आप इन्हें पॉट में लगा रहे हैं, और यदि इस तरह आप ग्रुप में लगाएं तो जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक की टंकी है जो कि कूलर वगैरह की रहती है, उसी में लगे हुए पौधे हैं। और देखिए आप कितनी बेहतर फ्लावरिंग कर रहे हैं ये पौधे। तो इन प्लांट्स को आप कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसको प्रोपेगेट करने का जो सही समय है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में, यदि आप इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो दिसंबर आते आते ये पौधे अच्छे डेवलप हो जाते हैं और फिर ढेरों फ्लावरिंग आपको इनसे मिलती है। हालांकि सबसे सही तरीका तो सीड से जर्मिनेशन का रहता है। यदि आप इसके प्लांट हैं आपके पास तो आप इनके सीड कलेक्ट कर लें और उनको सीड से प्रोपेगेट करें। देखिए ये सीड से बनाए हुए पौधे हैं और ये पिछले साल के सीड जो कलेक्ट किए थे हमने, उन्हीं के कलेक्शन से ये पौधे डेवलप किए गए हैं। कुछ पॉट्स में लगे हैं, कुछ ज़मीन पे लगे हैं। तो आज इन्हीं प्लांट को मैं आपको कटिंग से प्रोपगेशन का तरीका बताऊंगा, ताकि आप यदि नर्सरी से एक दो प्लांट लेके आते हैं, बजट कम है आपका, तो आप इसको अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप प्लांट लेके आएँ और जब उससे जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप हो जाएँ तो उनकी ब्रांचेस को आप कट करके और नए पौधे उनसे डेवलप कर पाएँ। तो देखिए ज़मीन पे लगे हुए कुछ पौधे हैं और धीरे धीरे अब इनमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कटिंग से प्रोपेगेट किया हुआ प्लांट है, तो लगभग 20 से 25 दिन इसको हो चुका है। तो इसको भी निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा और इसको किस प्रकार आप प्रोपेगेट कर सकते हैं इसकी कटिंग से, उसका तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए ये लगभग 20 से 25 दिन तक मैंने इनको बिल्कुल छाया वाली जगह में रखा और उसके पश्चात लगभग 3 दिन हो चुका है इनको, फुल सनलाइट में मैंने इन प्लांट्स को निकाल दिया है। और अब इन्हें हम मिट्टी से अलग करके देखेंगे कि इनमें रूटिंग की क्या स्थिति है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप इसे अक्टूबर नवंबर मंथ में लगाते हैं उस समय ठंड कम रहती है और इनमें जड़ों का फुटाव 20 से 25 दिनों के अंदर हो जाता है। और लगभग 20 से 25 दिन इनको लगाए हुए इस समय हो चुका है, दिसंबर मंथ के लास्ट में, यानी नवंबर के लास्ट में, बिल्कुल 27-28 तारीख की लगी हुई कटिंग है। और देखते हैं इस पर रूटिंग कितनी हुई है। देखिए इसको मैंने इस तरह से दबा के ग्रोबैक से अलग कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगे हुए पौधे हैं। आप इसे रेत में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और देखेंगे कि इसमें रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ठंड के कारण रूटिंग होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अक्टूबर नवंबर मंथ में यदि आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो उनमें रूटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो इनको पानी से धो के हम देखेंगे कि इनमें जड़ें ताकि डैमेज ना हो जो भी निकली हुई हो। तो देखिए इसको मैंने पानी से धो लिया है और देखिए इसमें हल्की हल्की रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। यदि ये 10 दिन और अभी मिट्टी में लगी रहती तो इनमें अच्छी रूटिंग हो जाती। और देखिए तो यदि आपका बजट कम है तो आप 2 से 3 प्लांट यदि नर्सरी से अलग अलग कलर्स के लेके आते हैं तो आप उनकी कटिंग किस प्रकार लगाएंगे, आइए वो जान लेते हैं। देखिए नॉर्मल गमलों की निकली हुई मिट्टी है, इसमें रेत, कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल लगभग तीनों एक एक भाग मिला हुआ है और इसी में मैं आपको कटिंग अपनी प्रोपेगेट करके दिखाऊँगा। तो देखिए आप इसके लिए रूटिंग हारमोन के लिए एलोवेरा जेल या रूटिंग हारमोन पाउडर फास्ट रूटिंग के लिए आप उपयोग करें। जो कटिंग मैंने आपको दिखाई वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाई गई थी, सिर्फ कटिंग काट के यूं ही मिट्टी में दबा दी गई थी, उनमें किसी भी प्रकार के रूटिंग हार्मोन का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपको 3 से 4 इंच के आसपास की सॉफ्ट वुड कटिंग ले लेनी है और कटिंग लेके आप मनचाहे प्लांट इससे डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए प्लांट्स की कटिंग हमने ले ली है और अब हम इसे प्रोपेगेट किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं। तो इस तरह से आपको नीचे की लगभग सभी स्टेप
पत्तियां जो हैं वो काट के अलग कर देनी है, ऊपरी जो बढ़वार वाला भाग है उसे भी हमें काट के अलग करना है ताकि उससे फ्लावरिंग अभी ना हो, क्योंकि यदि उस पर फ्लावर अभी जैसे लगाएंगे यदि आप ये कटिंग तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी लेकिन आपकी वो कटिंग सही ढंग से चल नहीं पाएगी। तो इस तरह से आपको जितनी भी कटिंग्स लगानी हैं आप इस तरह से प्रिपेयर कर लें, और प्रिपेयर करने के बाद उसे एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन पाउडर में इस तरह डिप करके आप अपनी कटिंग किसी भी सॉयल मिक्स यानी कि मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी में उसमें रेत जरूर मिला लें, और या इसे डायरेक्ट सेंड में भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन लगा के आपको अपनी कटिंग लगा लेनी है। इसे पूरी छाया वाली जगह में रखनी है, सनलाइट पे नहीं रखना है, कम से कम 20 से 25 दिनों तक, और उसके पश्चात इसमें रूटिंग हो जाएगी और फिर इसे आप अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इतना करने के पश्चात आप इसकी वाटरिंग कर दीजिए, और वाटरिंग करके हल्का हल्का इसको पटक के आप इसका एयर बबल्स जरूर रिलीव कर दें, उससे रूटिंग फास्ट होती है, जड़ें जो स्टेप हैं वो मिट्टी के संपर्क में अच्छे से आ जाती हैं। तो देखिए हमने वाटरिंग इसकी कर दी है, और वाटरिंग करने के पश्चात इसको फुल सेड क्षेत्र में रखेंगे, यानी इस पर ब्राइट लाइट तो पड़े लेकिन सनलाइट ना पड़े, इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमारी कटिंग लग के हो गई है रेडी, और तो आशा करता हूँ पिटूनिया प्लांट को कटिंग से प्रोपगेट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।